कोतूर के ऊपर अल्लाह की तजल्ली पड़ी थी और कोतूर का वो पहाड़ जलकर कोयले की मानिंद हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस आजिज मिस्कीन को कोतूर पर जाने की तौफीक अता फरमाई। हमने वहाँ पर अजीब बात देखी, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और उनको एक उंगली पे आप यूं उठा सकते हैं, कोयले की तरह हल्की जल के उनकी ये कैफियत हो गई थी। इसलिए कहते हैं कि कोतूर जल के सुरमा बन गया था। जबले दक्का उसका ये हाल था। तो कोतूर क्यों जल गया? इसलिए कि वो अल्लाह ताला की तजल्ली को बर्दाश्त ही नहीं कर सका। तो देखें, कोतूर अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन इंसान का दिल अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त कर लेता है तो इंसान का दिल फिर कितना अजीम हुआ। किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से राजी होते हैं तो बाज मर्तबा एक दिन में 70 मर्तबा उसको मोहब्बत की नजर से देखते हैं। अल्लाह ताला एक दिन में अपने बंदे के दिल को 70 मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखते हैं और बंदा उसके जल्दी को बर्दाश्त कर लेता है। ये इंसान को अल्लाह ने कमाल दिया है, और किसी चीज में ये कमाल नहीं है। इसलिए इंसान का दिल जो है ये अजीम है, फरिश्ते भी हैरान होते हैं इंसान की अजमत को देख के कि ये कैसा अजीब इंसान है, अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त कर जाता है, अल्लाह की मोहब्बत इसके दिल में है, इसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर चुका है। अब जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है ना, फिर आमाल करने आसान हो जाते हैं। आज तो हम नमाजें पढ़ते फिरते हैं ना, जैसे बेगार होता है कि जी हुक्म हाकिम मर के मफाजात, अल्लाह का हुक्म है लिहाजा नमाज पढ़नी है, ठीक टकरे मारते फिरते हैं। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है फिर बंदा इसको बेगार नहीं समझता, बल्कि इसको सबब लिकाए यार समझता है कि मेरे यार से मेरी मुलाकात हो जाती है। फजर पड़ते हैं जोहर का इंतजार, जोहर पड़ते हैं असर का इंतजार, असर पड़ता है मगरिब का इंतजार, उसका दिल इंतजार कर रहा होता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, अरहनी या बिलाल, बिलाल अजान दे मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा दे। तो नमाज पढ़ के मजा आता है बंदे को, लुत्फ आता है। हम नमाजें पढ़ते हैं सवाब की खातिर, भाई वक्त हो गया इशराक का पढ़ लो, एक हज एक उमरे का सवाब मिलेगा, और हम लपक के दो रकत पढ़ लेते हैं कि जी हमें भी सवाब मिलेगा। लेकिन जो अल्लाह के आशिक होते हैं वो सवाब को नहीं देखते, उनको तो सवाद मिल रहा होता है, वो उसकी वजह से पढ़ते हैं। हजरत मजदूर रहमत ने फरमाया, बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब व अजाब क्या जाने, किस में कितना सवाब मिलता है इश्क वाले हिसाब क्या जाने। जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है वो इन सवाबों के पीछे नहीं पढ़ते, वो तो अल्लाह की मोहब्बत में इबादत कर रहे होते हैं।